तो आप देख सकते हो यहां पर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आराम फरमा रहे हैं, उनके बगल में जो है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह आराम फरमा रहे हैं, और उनके बगल में जो है हजरत उमर रजी अल्लाह जो है आराम फरमा रहे हैं। कैसे हो दोस्तों, एक और ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों आज का जो ब्लॉग है ना बड़ा स्पेशल होने वाला है, बहुत ही खास, क्योंकि आज जो मैं आपको ज़ियारत कराने वाला हूँ ना, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका मुबारक रोज़ा पाक को ज़ियारत कराने वाला हूँ। और दोस्तों यकीन मानिए कि कहते हैं ना कि मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। बेशक दोस्तों मैं अभी अपने रूम से निकला हूँ, ये मेरा आप रूम देख सकते हो होटल, और उसी के बराबर में जन्नतुल बगी है, और इसका भी मैं प्रॉपर एक ब्लॉग बनाऊँगा। और जस्ट मेरे सामने जो है गेट नंबर 2 है, जहाँ से हमें एंट्री करनी है मस्जिद नबी के लिए। तो अभी इस समय जो टाइम है ना वो लगभग 12 बज चुके हैं, और यहाँ पर जो जोहर नमाज है यानी 12:20 पर अजान होती है, और फिर जो है नमाज होगी जोहर की। और फजर की जो नमाज पढ़ी थी हमने यहाँ पर, वो पढ़ी थी 5:05 पर। तो मस्जिद नबी के ऊपर मैंने प्रॉपर एक डेडिकेट ब्लॉग भी बनाया है, जो मैंने कल ही अपलोड किया था। अगर पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हो, बाकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। तो ये आप देख सकते हो कि ये दुनिया की पहली मस्जिद है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है एक्सपेंस होता है, यानी सबसे ज़्यादा खर्च होता है। ये जो आप छतरी देख रहे हैं ना, इसमें 14 करोड़ रुपए एक छतरी में खर्च आते हैं, क्योंकि ये ऑटोमेटिक होती है। और आप यहाँ से देख के देखिए किस तरीके से धूप से कवर करती है लोगों को। और ये जो छतरी है ना, यहाँ पर 250 छतरी यहाँ बाहर है और 12 छतरी अंदर है। ये जन्नतुल बगी है, ये जो सुबह को फजर में ओपन होता है। ये दुनिया में पहली मस्जिद कह सकता हूँ जहाँ पर अगर मक्का को छोड़ने के बाद जहाँ आपका यहाँ से बाहर को जाने का मन ही नहीं करेगा। तो यहाँ से इसका ये वाइड एंगल व्यू आप देख सकते हो, ये देखिए। तो ये आप देख रहे हैं मस्जिद नबी, ये देखिए, ये माशाल्लाह आप मस्जिद देख रहे हैं। और दोस्तों ये इसका ना एक व्यू है, यहाँ प्रॉपर सारे व्यू दिखाना इतना आसान है नहीं। अभी जो मेरा फोकस है वो सिर्फ इस चीज़ पर फोकस है कि मैं आपको अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका मुबारक रोज़ा पाक दिखाऊं। और दोस्तों बताना चाहता हूं, मैं गारंटी दे सकता हूं कि जिस तरीके से मैं रोज़ा पाक आपको दिखाऊंगा ना, लाइफ में किसी ने भी आपको इतनी अच्छी तरीके से नहीं दिखाया होगा, ना ही वो इन्फॉर्मेशन दी होगी। देखो ये जो लाइन लग रही है ना पूरी, ये लाइन जो है वही है, ये इसी रास्ते से जो है आप जो है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है रोज़ा पाक देखोगे। और यहाँ से जो रियाजुल जन्ना की जो है नमाज जो है पढ़ने के लिए ये वाली लाइन लगती है। तो दोस्तों मैं जो अभी आपको दिखाने वाला हूँ ना, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका मुबारक रोज़ा पाक, वो हमारे प्यारे नबी जो कयामत के दिन द डे ऑफ जजमेंट वो ये कह रहे होंगे या अल्लाह मेरी उम्मत। तो अब आपको अपनी आँखें मिचनी है, और जब आपकी नज़र पड़ेगी तो आपको अपने मन से जो भी आपकी दुआएँ हैं, जो भी आपको पढ़ना है वो आप पढ़ सकते हो। तो दोस्तों मैं दिखाने वाला हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1, 2, 3 माशाल्लाह। और ये देखिए, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना, ये लाइन ऐसी है जहाँ से आप रियाजुल जन्ना के लिए है नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हो, और उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। ये जो है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक पाक रोज़ा है, आप ये देख सकते हो। और इसकी जो एंट्री है वो मैं अभी दिखाता हूँ आपको, उधर से लेके चलता हूँ। दोस्तों बताना चाहता हूँ कि मैंने जो रियाजुल जन्ना में नमाज़ पढ़ी थी वो रात को लगभग 1:30 बजे के आसपास पढ़ी थी, उसके लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, और वो अपॉइंटमेंट जो है उसका एक ऐप आता है और उसमें आपको सेलेक्ट करनी पड़ती है, फिर टाइम मिलता है, फिर उस टाइम में जाना पड़ता है। और अगर आपने वो मिस कर दिया तो महीने में आपका नंबर नहीं आएगा, यानी एक महीने में एक ही बार नंबर आता है एक बंदे का। वो माशाल्लाह आप देख सकते हो, और यहाँ से ये वाला जो रास्ता जा रहा है ना, यहाँ से हमें जो है अंदर चलना है। तो इस लाइन के अंदर जब जाओगे ना आप, तो जब आप ज़ियारत करने के लिए जाओगे, और इस लाइन से ही आगे एक रास्ता है, मैं दिखाता हूँ आपको। तो जस्ट वो सामने मस्जिद है जहाँ से हमें नमाज़ पढ़ने के लिए जाना है, क्योंकि थोड़ी बहुत देर में नमाज का भी टाइम होने वाला है। और यहाँ से ही ये जो आप देख रहे हैं ना जस्ट सामने, यहाँ से रास्ता है, जब उनकी ज़ियारत करेंगे यानी उन्हें देखने जाएंगे तो आपको अंदर से चलना पड़ेगा, यानी ये अंदर से रास्ता है, एक रास्ता उधर से है, एक रास्ता इधर से है। तो हम जो गए थे ना उस दिन, वो इस रास्ते से गए थे, मतलब उस दिन का मतलब है सुबह फजर में। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ जिस रास्ते से हम होकर जाते हैं ना,
ये मस्जिद के लिए रास्ता है जहाँ से अंदर जाएंगे, और यहाँ से माशाल्लाह ये रास्ता आप देख रहे हो, इस रास्ते से हम होकर जाते हैं। ये देखिए इस समय जो है लोग जा नहीं रहे हैं, देखो कितनी बड़ी बाउंड्री लगा रखी है इन लोगों ने, और माशाल्लाह ये रास्ता है। ये देखिए तो यहाँ से आप ये देख सकते हो, ये देखिए तो ये इसकी एंट्री है जहाँ से हम जाते हैं ज़ियारत करने के लिए। अल सलाम गेट है, यहाँ से आप ये देख लीजिए। और इसके बाद अभी अंदर जब मैं गया था तो अंदर का आप नज़ारा देखने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक आप बाहर का व्यू देख रहे थे, माशाल्लाह आप अंदर से हम चलने वाले हैं। चलने का मतलब यह है कि सुबह जो फजर में जब मैं गया था, और माशाल्लाह जब मैंने जन्ना नमाज पढ़ी थी 1:30 बजे, यानी 2 बार जा चुका हूँ मैं, तो उस समय मैंने उसको कैप्चर किया था, और माशाल्लाह आप देख सकते हैं। और उसके बाद मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो माशाल्लाह अब आप ज़ियारत कीजिए। दोस्तों इसी जगह को रियाजुल जन्ना बोला जाता है जहाँ पर हमने नमाज़ पढ़ी थी, और देखिए माशाल्लाह बहुत सारे लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं यहाँ पर, और इसे ही जन्नत की क्यारी बोला जाता है। ये देखिए, और यहाँ पर नमाज़ पढ़ना अपने आप में बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। और यहीं बराबर में ही जो है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है मुबारक रोज़ा पाक है। ये जो लाइन लग रही है ना, सभी लोग ज़ियारत कर रहे हैं धीरे धीरे। ये देखिए माशाल्लाह, और यही जो है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक रोज़ा पाक है, और लोग ज़ियारत करते हैं, और यहाँ से अंदर देखने की कोशिश करते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, यहाँ जब आप होते हो ना तो इमोशनल हो जाते हो, मन करता है कि आप यहाँ ठहर जाओ, 1 घंटा 2 घंटा पूरे दिन यहाँ ठहरे रहो। यहाँ से आप देख सकते हो माशाल्लाह। और यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है, और यहाँ से फाइनली हम जो है बाहर आ चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी आपने देखा हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक पाक रोज़ा। और दोस्तों अंदर यकीन मानिए, जब आप उसको अपनी आंखों से देखते हो ना तो आप इमोशनल हो जाते हो, क्योंकि बचपन से आप जो है इस जगह को देखने की तमन्ना रखते हो। जब आप ज़ियारत करते हो ना, जब यकीन मानो आप ऑटोमेटिक इमोशनल हो जाते हो। लेकिन थोड़ा दोस्तों अब मैं कुछ जानकारी देने वाला हूँ, और ये जानकारी बहुत अहम है। जब मैंने आपको ज़ियारत कराई हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक मुबारक रोजे की, और जब आप जाली से अंदर को, बहुत सारे लोग, मैं भी, बहुत सारे लोग जब मोबाइल से वीडियो शूट करते हैं और अंदर की शूट करते हैं, तो उन्हें लगता है कि एक्चुअल में जब वो जाली से अंदर देखते हैं तो यही वो जगह है जहां पर हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आराम फरमा रहे हैं। जबकि दोस्तों रियलिटी ये नहीं है। जी हाँ, रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी क्या है मैं आपको बताने वाला हूं। ये आप मॉडल देख सकते हो, ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है, और उस घर में आप देखोगे एक रूम है और बाहर वाला बरामदा है, और बरामदे में जहां पर चारपाई है, एग्जैक्टली ये वही जगह है जहां पर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है जाहरी तौर पर जो है पर्दा किया। यानी जब पर्दा किया तो इसी चारपाई, यानी इसी ये जगह है जहां चारपाई है। उसके बाद चारपाई को हटाने के बाद वहीं पर जो है आप देख सकते हो वहां पर रोजा तैयार किया गया। मैं दोस्तों बताना चाहता हूं कि मेरे मुंह से कोई गलत शब्द निकल जाए, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो उस जगह पर जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वहां पर उनको पर्दा कराया गया उस जगह पर, और ये आपने देख लिया, और उसको चारों तरफ से जो है बाउंड्री कर दी गई, यानी चारों तरफ से बाउंड्री कर दी गई। और ये बाउंड्री लगभग 1450 साल पहले कर दी गई थी, यानी शुरू में एक दो बंदे उन्हें देखा होगा, लेकिन उसके बाद बाउंड्री कर दी गई। और ये बाउंड्री अब जो आप जाली में देखते हो ना, ये एक्चुअल में आपको लगता है कि हम पाक मुबारक रोजा देख रहे हैं, रोजा नहीं देखते हो, सिर्फ बाउंड्री देखते हो। यानी हमारे जो नबी आराम फरमा रहे हैं उस बाउंड्री के अंदर फरमा रहे हैं, और बताना चाहता हूं कि इस बाउंड्री के अंदर कोई भी नहीं जा सकता, ये पूरी तरीके से पैक्ड है इसके अंदर, यानी सफाई वाला भी नहीं जा सकता, कोई भी नहीं जा सकता, किसी की हैसियत नहीं है। जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां पर आराम फरमा रहे हैं वहां पर उस जगह पर चले जाए, क्योंकि आप जो देखते हो जहां भी मोबाइल में देखते हो या जाली के अंदर देखते हो वो सिर्फ ये चीज देखते हो, पहली चीज। अब दोस्तों बताना चाहता हूं कि दूसरी कहानी क्या है इसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इस बाउंड्री के अंदर जहां पर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आराम फरमा रहे हैं, जहां पर एग्जैक्ट वो जगह है, वहां पर 3 बड़ी शख्सियत, एक हमारे नबी और उससे अलावा 2 बड़ी शख्सियत वहां पर आराम फरमा रहे हैं। एक है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा, वो आराम फरमा रहे हैं वहां पर, और एक है हजरत उमर
रजी अलाना, दो बड़ी शख्सियत वहां पर आराम फरमा रहे हैं। और दोस्तों बताना चाहता हूं कि आप मॉडल देख सकते हो, ये सबसे पहले जो आप देख रहे हैं रोजा, ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनकी बराबर में जो आप देख रहे हो ये है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा, और उनके नीचे अब बराबर में यानी जो इस तरह दिख रहे हो थर्ड नंबर पर, वो है हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा। तीन बड़ी पर्सनैलिटी, एक हमारे नबी और दो बड़ी शख्सियत यहां पर आराम फरमा रहे हैं। और उन्हीं के बाद ये चारों तरफ से जो है बाउंड्री कर दिया, गोल तरीके से बाउंड्री कर दिया है, जिन्हें कोई भी नहीं देख सकता। अल्लाह बेहतर जानता, अल्लाह से अलावा कोई नहीं देख सकता, और ना वहां पर सफाई वाला पहुंच सकता है, ना वहां हुकूमत कोई भी नहीं पहुंच सकता, पूरी तरीके से पैक्ड है। जब आप जो है रियाज जन्ना में नमाज पढ़ते हैं तो बहुत सारे लोग मोबाइल से वीडियो शूट करते हैं, और हम भी करते हैं, और हम जूम करके अंदर की वीडियो निकालते हैं, तो हमें लगता है कि जब हम जूम करते हैं तो जाले के अंदर जो हम जगह को देख रहे हैं वो एक्चुअल में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक पाक रोजा है, जबकि ऐसा नहीं है। यानी हमारे नबी जो आराम फरमा रहे हैं उस बाउंड्री के अंदर फरमा रहे हैं जो आपने देखी। तो ये दोस्तों असली कहानी है। अब दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां पर आराम फरमा रहे हैं उनके बराबर में तुम्हारे की हजरत अबू बकर सिद्दीक आराम फरमा रहे हैं। अब पूरी कहानी क्या है दोस्तों बताना चाहता हूं। इस्लाम में किसी की सबसे बड़ी शहादत है तो वो शहादत है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की। इनका एक वाक्य बता देता हूं कि जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जहरी उम्र है वो 63 साल है, 53 साल आपने मक्का में गुजारी और 10 साल मदीना में गुजारी। आप जब मक्का से मदीना के लिए हिजरत कर रहे थे तो क्या हुआ था कि रास्ते में आपको बताया जो कुफारे लोग थे उनका पीछा कर रहे थे और वो उनका कत्ल करना चाहते थे। तो आपने क्या किया, गारे सोर, जो जबले सोर एक पहाड़ है, गारे सोर में आपने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन आराम फरमाया। तो वो पहाड़ जो है लगभग 5500 फीट ऊंचा है, उस पहाड़ पे जब आपने आराम फरमाया तो आपके पैर नंगे थे, आपने चप्पल भी नहीं पहन रखी थी, आपकी जो ऊंटनी थी वो भी दूसरी साइड थी। तो उस पहाड़ पर अपने कंधे पर बैठाकर हमारे तुम्हारे की हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने अपने कंधे पर बैठाकर हमारे नबी को जो है वहां गारे सोर में ले गए। जब गारे सोर में ले गए तो काफी गंदा था, उसकी सफाई हुई और उसमें बहुत सारे छोटे छोटे छेद थे। तो वहां पर हमारे हजरत नबी वहां पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने क्या किया कि अपने कपड़े को फाड़ा और सारे छेदों को धीरे धीरे बंद कर दिया। जब सारे छेदों को धीरे धीरे बंद कर दिया तो दोस्तों क्या हुआ कि एक छेद रह गया जो बंद नहीं हो पाया और पूरे कपड़े जो था वो खत्म हो गया। वहां पर क्या हुआ कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने अपना पैर रख दिया और उनसे हमारे नबी से फरमाया कि आप आराम कर लीजिए। हमारे नबी वहां आराम करने लगे, एक सांप आया और वो सारे जहां पर कपड़े लगे हुए थे सारे छेदों में जाने लगा। वो जिस छेद में भी जाता उसे कपड़ा मिलता तो सांप फिर अगले छेद पर चले जाता। लास्ट में वो उस छेद पर पहुंचा जहां पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु का पैर था और वो उस पैर पर क्या हुआ, उन्होंने सांप ने उनके पैर पर काट लिया। और एक बार नहीं काटा, दो बार काटा, तीन बार काटा, चार बार काटा, तो उनकी आंखों से मतलब दर्द हो रहा था, अब पैर हटा नहीं सकते थे क्योंकि हमारे नबी की नींद खुल जाती तो उनकी आंखों से आंसू गिरे और आंसू जो है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों पर गिरा। तो वो समझ गए, उन्होंने पूछा कि क्या बात है, आप परेशान क्यों हो। तब आपने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने बताया कि मेरे सांप ने काट लिया है और इस वजह से परेशान हूं। अल्लाह कसम हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु का कहना है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो निकाला, अपना वो निकाला और उनके एड़ी पे लगा दिया और दर्द इतनी सेकंड में कम हो गया कि सेकंड तो बहुत बड़ी चीज है, दर्द खत्म हो गया। तो वही पर्सनैलिटी, एक बड़ी पर्सनैलिटी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर में जो आराम फरमा रहे हैं वही हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। दोस्तों ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी, अब मैं इस वीडियो का एंड करता हूं। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी कोई जानकारी है, मेरे मुंह से कोई शब्द गलत निकल गया हो तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। बाकी रब जो है नियत देखता है। अल्लाह हाफिज।